वो कोई ईद शो ऐसा हो ही नहीं सकता या कोई भी ऐसा टॉक शो नहीं हो सकता जिसमें रैपिड फायर एक सेगमेंट ना हो। तो अब वक्त हुआ चाहते हैं फर्रे खोलो यहाँ एक रैपिड फायर सेगमेंट, लेकिन क्विक रैपिड फायर करेंगे। तीन सवाल आप लोगों से पूछूंगा, आपने मिलके रैपिडली जवाब देना है, और तीन सवाल आप लोगों से करूंगा। आपने जवाब आपको देना है, इनको देना है? जवाब आपको देना है, इनको देना। होस्ट वो है या मैं हूँ? कुर्सी पे मैं बैठा हूँ, जवाब भी आप मुझे देंगे। क्या बात है, सवाल मैं आपसे कुर्सी को सलाम सर। जी बिल्कुल, पहला सवाल आपसे ये है, इनमें से इन तीन लोगों में से, तीन खवातीन में से सबसे ज्यादा फ्रिजी हेयर किसके हैं? ठीक है, फ्रिजी हेयर किसके? आपके ऑप्शन है रेशम, एंजेलिन मलिक, सानिया सईद साहिबा। एंजेलिन मलिक, एंजेलिन एंजेलिन के सबसे फ्रिजी हेयर है। ठीक है, किस एक्टर पर सबसे ज्यादा शलवार कमीज अच्छा लगता है? आपके ऑप्शंस हैं फैसल कुरैशी, अदनान सिद्दीकी या एजाज असलम। फैसल कुरैशी। ठीक है, आपका तीसरा। एजाज भाई का याना के मतलब सब कुछ अच्छा है। यार फैसल कुरैशी की मिमिक्री कर सकते हैं आप? यार फैसल भाई पे भी काम करना है, करना है, करना मुश्किल है, मुश्किल काम, मुश्किल काम। रेंज बहुत बड़ी है ना उसको, रेंज पूरी रेंज पकड़ना मुश्किल का। आपने तो कहा ना वो मशहूर है ना वो बड़े दगा। किस खातून को अपना ड्रेसिंग, देख रहा हूँ तुम जो करना चाह रहे हो, किस खातून को अपना ड्रेसिंग स्टाइल चेंज करना चाहिए? आपके तीन ऑप्शंस हैं। हम ये नहीं कह रहे कि बुरा है, बट हम ये कह रहे हैं कि यार कि थोड़ा चेंज कर लो, कोई मुख्तलिफ लेके आए मार्केट में। ठीक है, नादिया खान, शाइस्ता लोधी या निदा यासर। नादिया खान, नादिया, शाइस्ता या निदा यासर। इन सब लोगों ने मतलब दुनिया का हर एक्सपेरिमेंट किया हुआ है अपनी वार्डरोब के ऊपर। हाँ, वैसे इन्होंने सब क्या मचा रहा है। हाँ, लेकिन निदा भी मतलब उन्होंने मॉर्निंग शो में सब कुछ पहनती है, तो बताओ मैं तुमसे क्यों मशवरा करूं, तुम बेगम थोड़ी मेरी, हाँ तुमसे बात करें। हाँ इधर बताओ ना मुझे। बात तुमसे बात की है, जवाब देते हैं तुम बीच में मिला। हाँ रैपिड है भाई, बस शाइस्ता रह गए, थ्री शाइस्ता को देते हैं, टू शाइस्ता, सफेद गाउन छोड़ दे शाइस्ता। ठीक है, लो जी आपके तीन सवाल कुछ ही हैं। पहला सवाल आपका, किसको मशवरा देंगे कि वो एक नया हेयर कट इख्तियार करें? आपके ऑप्शंस हैं साहिर लोधी, बिलाल अब्बास खान या आगा अली। आगा अली yeah, he has these long, I don't know. No, not long anymore. No? I think साहिर भाई, साहिर लोधी को आप तुम्हारे तो ये बात करना बनता नहीं। ये सोच रहा था, वेट कर रहा था पंच के में तू। हाँ बस वो तब से जब से सवाल पूछे ना वो वेट कर रहा था। ठीक है, साहिर लोधी भाई, साहिर भाई, साहिर भाई, साहिर भाई, आपने आप किसी और को दे दे, मैं कोई मसला नहीं है। नहीं सही है, साहिर, साहिर भाई को। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट फेस क्रीम में कौन सा होता है? टेक्सचर, स्मेल, विटामिन B3 या कुछ और बताइए। फेस क्रीम में है स्मेल तो नहीं होनी चाहिए, स्मेल नहीं, इनमें से आपने बताना है कि सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट कौन सा होता है फेस क्रीम। फेस खुद, नहीं टेक्सचर फेस होना चाहिए या विटामिन B3। अकॉर्डिंग टू सोशल मीडिया या जो हम देखते हैं उनके बारे में, अलीजे शाह, गाना अली या उष्णा शाह। हाँ। बात बात पे इशू तो नहीं निकालती, वो तो बड़ा एक वोकल अंदाज में इश्यूज के ऊपर बल्कि बात करती हैं। हाँ, जो भी था तो बात क्यों बहस कर रहे हो? मैं हमारी बारी में बहस कर रहे हो उनके बारे में? अच्छा जी ठीक है, चलो एक सवाल आप लोगों से। हाँ जी, अब आप क्योंकि आपने छेड़ दिया मुझे, छेड़ दिया, ऐसा कैसे हो सकता है आपसे एक सवाल एक्स्ट्रा ना। पाकिस्तान का एंकरिंग की दुनिया का एक बहुत बड़ा बेताज बादशाह, बेताज बादशाह। किसकी जोड़ी सबसे बेहतरीन लगती है आपको? जुराबों की, इनमें से मिलती है, इनमें से दारा नूर अब्बास और असद सिद्दीकी, सही, सबूर अली और अली अंसारी या शुएब मलिक और सना जावेद। सबूर और अली आपके दोस्त हैं, बहुत अच्छा। अपने दोस्तों का नाम उन्होंने लिया। भैया एक और सवाल आपसे पूछना है। हम हेयर केयर की बात कर रहे हैं और ये फ्रिजी हेयर की बात हुई है, स्किन को अपने ग्लो कराने की जो हम बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि बालों को
कि मैं आपसे ये सवाल नहीं, इन तीनों से ये सवाल मैं उधर चला नहीं लेकिन देखे ये भी आपके भी जवाब दे सकते हैं क्योंकि आप तो उस स्टेज में है जहाँ पे आपको ज्यादा जरूरत है। अब आप वापस जब ग्रो करेंगे अपने बाल तो आप किस तरह से उनको क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि बालों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी शाइन और ग्लो को मेंटेन करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या हो सकती है? वरीशा भाभी से पूछूंगा मैं, उन्होंने पहला वाला जवाब हमें सही दिया। कंडीशनर कोई भी आप अपनी तौर पे बता सकते हैं। हेयर कंडीशनर आई थिंक। आपको लगता है कि हेयर कंडीशनर का इस्तेमाल? या हेयर प्रोटेक्टेंट। ठीक है, आपको क्या लगता है? जब मेरे बाल हुआ करते थे तो कुछ सदियां पहले तो बेसिकली वरीशा ने मुझे एक प्रोडक्ट दिया था, वो कुछ स्प्रे टाइप का था, कुछ प्रोटेक्ट करने का कुछ था वो, तो आई थिंक वो ज्यादा बेहतर। वो कहां? मेरे ख्याल में बालों पे एक्सपेरिमेंट ना करें तो बाल प्रोटेक्टेड रहते हैं। कुछ भी ना करें मतलब वर्जन, जितने आप छोड़ें, जितने आप केमिकल्स लगाएंगे उतने ज्यादा बाल खराब होंगे। ये भी ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए पहली बात तो ये कि आपके अपने आपने विक तो नहीं लगाई भी? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पक्की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह पक्के, मैं तो सीमेंट लगाता हूँ बालों पे अल्हम्दुलिल्लाह कि गिर ना जाएंगे। ठीक है, दूसरा ये कि जिन लोगों के सरों में जुएं पड़ती हैं, हाँ, उनको चाहिए बहुत ज्यादा कंघियां करेंगे ना तो ऐसे उसमें स्कैल्प में ना खराशें बन जाएंगी तो वो उसमें से बाल गिर जाएगा कल को। ठीक है, ये एक साइंसी नुक्ता है। और जिनको खुश्की बहुत ज्यादा होती है ना, हाँ, उनको चाहिए कि वो तेल लगाया करें, और जो तेल लगाते हैं ना उनको चाहिए वो नहाया करें क्योंकि बहुत तरह से जो तेल लगा रहता है उस पर गर्द पड़ जाता है। जबरदस्त, आपने जबरदस्त बातें की, लेकिन सबसे जो क्लोजेस्ट आंसर विच आई वाज लुकिंग फॉर वो वरीशा भाभी ने हमें दिया है कि आपने कहा प्रोटेक्टेंट, आपने जो हीट प्रोटेक्टेंट की आपने बात की, मेरे ख्याल में आपका जो साइंस और स्टडी आपने किया, रिसर्च किया, सबसे बेहतरीन आप सही। जैसे हम अक्सर भाभी जब ये हीट के जो आपके टूल्स होते हैं, आप हीटिंग टूल्स इस्तेमाल करते हैं तो बालों की शाइन और उसमें काफी हद तक कमी आ जाती है। तो कुछ सीरम्स ऐसे होते हैं और कुछ ऐसे हीट प्रोटेक्टेंट प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमने आज यहाँ पे आपके लिए, देखे लिंक कैसा यार, ये अंकल ये चौरंगी घुमा के जो लाए, आप देखे बेताज बादशाह। तो ये मैं कहूंगा अक्सर वेल्डर गंजे क्यों होते हैं, ये देखें हीट, इसमें सारे वो प्रोडक्ट्स हैं। सबसे पहले आपको मैं दूंगा क्योंकि आपको सबसे ज्यादा जरूरत है इनकी। थैंक यू सो मच। हम चाहते हैं कि आपके बालों की ग्रोथ जो है, देखें हम सिर्फ प्रेजेंट के बारे में नहीं सोचते, हम अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचते, कौम का मुस्तकबिल है, मुस्तकबिल है। बिल्कुल सर, थैंक यू। अभी एक आपके साथ जाएगा और ये हमारा खूबसूरत पैकेज एक एक आपके साथ भी जाएगा, हमारे साथ जाएगा ट्रेसमे की तरफ से। आप छोड़ के जाना चाहें तो आपकी मर्जी है, मैं ले जाऊंगा आपके हिस्से से, पकड़ लूं चलो मोती। लेकिन माशाल्लाह क्या बात है अभी एक आपके, थैंक यू सो मच, तकल्लुफ कर दिया वैसे। नहीं नहीं यार, नहीं तकल्लुफ की क्या बात है, आप हमारे मेहमान है और ऐसा कैसे हो सकता है कि हम आपको खाली हाथ यहाँ से भेजें। बट वक्त हुआ चाहता है अनफॉर्चुनेटली इस शो को इख्तिताम पजीर करने का, इतना मुझे मजा आया जल्दी, बस ये ऐसे ही है शफात मेरी कंपनी में, हाँ बस। और यकीन है एक एक सेकंड पता नहीं चला आपको मुझे बिल्कुल पता नहीं चला। अब मैं चाहूंगा कि क्योंकि हमारे साथ खुदगर्ज बैंड भी यहाँ पे मौजूद है, तो जैसे हमने पहले शो में मजेदार चीज मेरे बाद अगर कोई है तो वो तो आपको लग रहा है ना, ये तो आवाम बताया गया। भाइयों आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें दोबारा ज्वाइन किया।